लगातार हो रही भारी बारिश के कारण किन्नौर के निचले क्षेत्र और आसपास के इलाकों में जनजीवन पटरी से उतर गया है। मुख्य मार्ग पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है। ऐसे में लोग जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे हैं। किन्नौर के तरंडा ढांक और आसपास के क्षेत्र में पहाड़ियों से इतना पानी व मलबा गिर रहा है कि वे नदी और नालों का रूप ले रहा है। अधिक बारिश होने के कारण झरनों के पानी के बीच मुख्य मार्ग पर गाड़ी गुजर रही है। ऊपर से कब मलबा और पत्थर गिर जाए इसका भी खतरा बना हुआ है। इस हालत में वाहनों को मुख्य मार्ग से गुजरने में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। मुख्य मार्ग पर अधिक बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन भी हो रहा है। स्कूली बच्चों को भी बारिश के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जयपाल ने बताया कि बारिश से किन्नौर की सड़कों की इतनी दुर्दशा हो गई है कि कब कहां से पत्थर गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी बेहाल है और चारों ओर पानी ही पानी है। गाड़ियों को पानी के बीच से चलाना भी मुश्किल हो गया है। मेरा नाम जयपाल सियोगी है। आजकल किन्नौर बारिश की वजह से किन्नौर में इतने बहुत बुरे हाल हैं। हर कहीं से पत्थर आ रहे हैं, हर कहीं से पानी पानी आ रहे हैं। गाड़ियां बहुत रिस्क से निकालना पड़ रहा है। कब गाड़ी पर पत्थर गिरे कोई पता नहीं है। नदी नालों में पानी पानी है, खेतों में बहुत नुकसान हो गया हुआ है। स्थानीय निवासी कर्मा नेगी ने बताया कि किन्नौर वे जा रही थी, लेकिन वर्तमान में किन्नौर की सड़कों की हालत देखकर बेबस हैं। ऐसे में सफर करना मुश्किल हो गया है। जगह जगह पर पानी और मलबा गिर रहा है। लोग जान हथेली में रखकर यहां चल रहे हैं। स्कूली छात्रा पूजा ने बताया कि बारिश बहुत हो रही है, खतरा बहुत हो गया है। वाहनों की आवाजाही भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्हें परीक्षा देनी थी इसलिए स्कूल जाना पड़ रहा है। आज हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल था और हमारे को और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमें इतनी बारिश में भी आज स्कूल आना पड़ा और गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है। रामपुर से एच टुडे के लिए नेगी की रिपोर्ट।